हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में जो है ना, मैं अपने एक स्टूडेंट का फीडबैक लेने वाला हूँ। वो मेरे थ्रू एडमिशन लिया है, और पता है वो एडमिशन किस चीज़ में लिया है? MBBS के लिए नहीं, प्रिपरेटरी कोर्स में रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए एडमिशन लिया है। तो उस स्टूडेंट का नाम है काशिम। काशिम अफगानिस्तान से है लेकिन सऊदी अरबिया में रहता है। काशिम आओ इधर। ये रहा काशिम भैया, काशिम से मिलिए। ऑलरेडी काशिम बहुत बार ब्लॉग में आ चुका है। क्या काशिम जी, बिल्कुल भैया। जितने भी स्टूडेंट है वो ये जानना चाहते हैं कि आप मेरे थ्रू एडमिशन लिए। हाँ, तो आप हमको कैसे कांटेक्ट किए, जो भी एडमिशन का प्रोसेस था वो कैसे हुआ, जब आप यहाँ पहुंचे तो हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए, आप वो सब बताएं। और ये भी बताएं कि आप जो है ना कैसे कॉन्टेक्ट किए हमको, और कॉन्टेक्ट करने के बाद होता नहीं कि ट्रस्ट इशू रहता है। हाँ, ट्रस्ट इशू रहता है स्टूडेंट को कि ट्रस्ट कैसे कर लें किसी पे भी। तो आप कब मिले हमसे और फेस टू फेस कब मुलाकात हुआ, ये सब चीजें जो है ना आप अपने हिसाब से बच्चों को बताएं। हाँ काशिम, तो आप बताएं अब सब कुछ अच्छे से। जी भैया, जो भी आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप अपने शब्दों में बताएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाँ, आप अपने शब्दों में बताएं। जैसे सबसे पहले तो भैया, सेकंड ईयर के एग्जाम होने के बाद मेरा जब रिजल्ट आया तो मैंने बहुत यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया। तो यूनिवर्सिटी को मैंने ईमेल भेजा, तो कोई यूनिवर्सिटी कह रहा था अपना पासपोर्ट सही भेजो, कोई कह रहा था सऊदी का इकामा भेजो, कोई कह रहा था ट्रांसलेट करो। फिर वो एक एक हफ्ते बाद मुझे रिप्लाई कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल आखिरी में लास्ट में एकदम तंग आ गया। फिर यूट्यूब में जाकर देखा, बहुत से लोग थे लेकिन सिर्फ मंजेश भाई ऐसे थे जिसे मैं देखते ही ट्रस्ट आ गया, तो ये बंदा परफेक्ट है। फिर जैसे ही मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया तो मुझे तुरंत उसी वक्त 10-15 मिनट में मुझे आंसर मिल गया। तो अगले दिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट भेजी, तो तीसरे दिन मेरा एडमिशन हो गया, भैया ने मेरा एडमिशन करा दिया। फिर उसके बाद 1 महीना 45 दिन लगा इनविटेशन के लिए, तो मैं डायरेक्ट वीजा के लिए सऊदी में अप्लाई किया। 45 डेज लगे थे इनविटेशन के लिए। हाँ, इनविटेशन लेटर के लिए। तो मैं गया वैश्य एम्बेसी में रियाज में जो है सऊदी में, तो मैंने 2 बजे सबमिट किया वीजा, तो मुझे शाम को कॉल आ गया आज तुम्हारा वीजा हो गया। तो अगले 10 दिन बाद मैंने 15 मार्च को मेरा फ्लाइट बुक हो गया, तो मैं डायरेक्ट आ गया। 16 मार्च को मैं रोस्टो में पहुंच गया, तो भैया मुझे खुद रिसीव करने आ गए थे भैया। फिर मुझे खाना लेके दिया, सब कुछ करा के फिर अगले दिन भैया ने मेरा PCR टेस्ट कराया। उसके बाद PCR टेस्ट करने के बाद मुझे हॉस्टल लाया गया, तो भैया ने काफ़ी सारे हेल्प की। यानी बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भैया ने बहुत आसानी से सब कुछ हैंडल किया, बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन का, जो भी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस हुआ, सब भैया ने बहुत इजीली भैया ने हैंडल किया सब कुछ, तो मुझे जरा सी भी दिक्कत नहीं आई। और आप हमसे पहली बार कब मिले फेस टू फेस? 16 मार्च को ही मिला। हाँ, तो पहली बार जो है ना, मैं जब इनको रिसीव करने गया था उसी टाइम हम लोग फेस टू फेस मिले। तो उससे पहले जो भी बात हुआ था वो फोन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बस यही सोशल। हाँ, बस। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।